लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला द्वारा दागे गए मिसाइल और रॉकेट लगातार इजराइल को परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं, उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते। कई सारी कब्रें यहाँ पर देखिए तबाह हो गई हैं। एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है, जैसे जैसे रॉकेट की बौछार से तेल अवीव की शक्ल बदल रही है, उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमे बदल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ मोस्ट पावरफुल ग्रुप बन रहा है। इस ग्रुप में होड़ ये लगी है कि जल्द से जल्द ईरान से दोस्ती की जाए और इजराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए। कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। तस्वीर नंबर 1 देखिए, जहां तुर्की नेवी का शिप लेबनान में एंट्री कर रहा है। शिप पर तुर्की के किलर कमांडो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर अल्बानिया से आई है, जहां प्रेसिडेंट अर्दोगान इजराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुंचे हैं। तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को थर्रा दिया है। सऊदी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सलमान से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात ने अरब वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहर लगा दी है। वॉर जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिश इन तस्वीरों में है। तेहरान में जल रहे इजराइल और अमेरिका के झंडे क्या कह रहे हैं? क्या ईरान ने सऊदी अरब को साथ लिया है? क्या खाड़ी के सभी पावरफुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है? सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है। प्रिंस सलमान ने ईरान के विदेश मंत्री से वॉर टेंशन कम करने का वादा भी किया है। सऊदी प्रिंस से मीटिंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री कतर का दौरा करेंगे। खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क सऊदी अरब और कतर को माना जाता है। अगर ये दोनों देश ईरान के खेमे में गए तो इजराइल का बचना मुश्किल होगा। वजह यह भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ल्ड में फूट डालकर खुद को खलीफा साबित करने में लगा है। इसराइल मजालिमी görüşmemizin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin bölgesel kapsamının ötesinde artık küresel düzeni tehdit eder hale gelen saldırganlıkları hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. उधर डिप्लोमेसी फ्रंट पर इजराइल जैसे जैसे ट्रैप में फंसता दिख रहा है, उतना ही वॉर जोन में उसे झटके लग रहे हैं। इजराइल की धरती थर्रा रही है। इजराइल के आसमान में बारूद का बवंडर उठ रहा है। कभी रॉकेट अटैक तो कभी ड्रोन से मिसाइलें फट रही हैं। इजराइल के चप्पे चप्पे पर दुश्मनों के धमाके की छाप दिखाई देने लगी है। लेबनान से लगी इजराइल के सरहदी शहरों में अब किसी को सलामत होने की गारंटी नहीं है। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गांव में हूं, जहां 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गांव में जो घर है उनकी दीवारों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं। हालांकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर। ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई। अगर हिजबुल्ला के हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। IDF के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने ढेर कर दिया है। हिजबुल्ला ने नेतन्याहू आर्मी के बड़े ऑफिसर को मारकर दहला दिया है। इजराइल फोर्सेस की एलन ब्रिगेड की 5030वीं बटालियन के सार्जेंट मेजर रोनी गनीजाते हिजबुल्ला के हमले में मारे गए हैं। 36 साल के मेजर गनीजाते लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी हमले में मारे गए हैं। ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इजराइल के 12 सोल्जर्स को ढेर किया है। अपने अफसर की मौत के बाद इजराइल ने हिजबुल्ला के 2 कमांडर मार डाले हैं, जिसमें एक अहमद मुस्तगा अलहाज अली और दूसरा मोहम्मद अली हमदान बताया गया है। हिजबुल्ला के दोनों टॉप कमांडर एंटी टैंक कोर के कमांडर थे। 2 टॉप कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्ला ने इसराइल के कब्रिस्तानों को भी बारूद से पाट दिया। यहाँ की धार्मिक मान्यता के मुताबिक उनको भी शांति नहीं है। और आप यहाँ पर देखिए कि ये पूरा कब्रिस्तान टूटा फूटा है। यहाँ पर देखिए ये गवाही दे रही हैं तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने प्रियजनों को देखने आ रहे हैं। देखिए जिनको ये खबर पता लगी है कि कब्रिस्तान के ऊपर रॉकेट हमला हुआ है, वो लोग अपने प्रियजनों की देखिए यहाँ पर कब्रें देखने आ रहे हैं। और लोग यहाँ पर लगातार जो अटैक हुआ है रॉकेट से उसको देखने आ रहे हैं।
हिजबुल्ला फाइटर इसराइल के क्रियात शमोना से आगे बढ़कर अब बेत हिलेल और मयान बारूच तक मार कर रहे हैं। गैलीली में हिजबुल्ला के रॉकेट के छर्रे से छलनी दीवारें हर जगह देखी जा सकती हैं। हिजबुल्ला के हमलों में आई तेजी की वजह से रद्वान फोर्स के नए कमांडर की तैनाती है। इसराइल मीडिया के मुताबिक रद्वान फोर्स के पूर्व कमांडर हैतम अली तबाई को हिजबुल्ला के मिलिट्री ऑपरेशन का चीफ बनाया गया है। हैतम अली के साथ मिलिट्री लीडरशिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मोहम्मद हैदर को भी सैन्य ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत के बाद हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम कासिम को बनाया गया है। नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन्याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी, लेकिन अमेरिका के रहते ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। सुपर पावर ने इसराइल को इतने हथियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या, कई देशों के बूते की बात नहीं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्टूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर $22.76 बिलियन खर्च किए हैं। अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति में लगभग 57,000 तोपखाने के गोले, तोपों के लिए 36,000 राउंड गोला बारूद, 20,000 M4A1 राइफलें, 14,000 एंटी टैंक मिसाइलें और 8,700 MK82 500 पाउंड बम शामिल हैं। इसराइल के लड़ाकू जेट हों या फिर डिफेंस सिस्टम, सब के सब सुपर पावर के बजट से चल रहे हैं। इसराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने $4 बिलियन, आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए $1.2 बिलियन की मदद दी है। अमेरिका ने इसराइल को 14,100 MK84 अनगाइडेड, 2,000 बम, 3,000 ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन डम टू स्मार्ट बम ट्रांसफॉर्मर किट, 3,000 हेलफायर मिसाइल, 2,600 250 पाउंड GBU-39 छोटे बम, 1,800 M-141 बंकर बस्टर बम, 3,500 नाइट विजन डिवाइस, 200 स्विच ब्लेड ड्रोन, 100 से ज्यादा स्काइडियो एक्स ड्रोन और 75 ज्वाइंट लाइट टेक्टिकल व्हीकल भी दिए हैं। इसराइल को इमरजेंसी डिलीवरी के लिए $4.4 बिलियन का बजट अलग से रखा गया है। यानी पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ। अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में है, हर तरफ से है, चाहे हथियार हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे एटम बम हो। इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सुपर पावर वो देगा, लेकिन युद्ध में कभी भी इसराइल को झुकने नहीं देगा। अमेरिका की यही गारंटी नेतन्याहू को सभी दुश्मनों से भिड़ने की पावर देती है। सुपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूद दोनों के लिए जरूरी भी है, वरना बारूद के ढेर पर बैठे इसराइल को ईरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जलाकर राख कर सकते हैं।